स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बिल एंट्री का सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा एक्सेल में बिना किसी वीबीए के यूज के। आज की वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं एक्सेल के, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो हमारा जो बिल एंट्री का सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरह से काम करेगा। हम यहाँ पर एक बिल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर कस्टमर नेम डाल देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है हमें, जैसे कि मान लीजिए हमारे कस्टमर ने हमसे माउस और कीबोर्ड खरीदा है। एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर अमाउंट पेड डाल देंगे 3000 और एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में एंटर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आज की वीडियो में मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में या सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हम बिल एंट्री का टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले ऊपर की दो रोज और 8 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा, इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हम ऊपर अपने कंपनी का नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर एक डमी नाम लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड सपोर्ट एंड सर्विसेज नाम दे दूंगा मैं कंपनी को। इसे हम थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे डार्क ब्लू कलर में, और फॉन्ट को हम व्हाइट कलर दे देंगे। फॉन्ट का साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, अगर आपको फॉन्ट भी एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको कैलिब्री रहने दे रहा हूँ, और 20 का फॉन्ट साइज मैं यूज कर लूंगा कंपनी नेम के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी मर्ज सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, एक डमी एड्रेस GIDC राजकोट गुजरात का, इसे भी बोल्ड कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट कलर दे देंगे हम अपने प्रीवियस कलर से। फॉन्ट साइज थोड़ा इसका बढ़ा लेंगे, 12 ठीक लग रहा है। और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट रो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और इसे हेडिंग दे देंगे हम बिल एंट्री, इसे बोल्ड कर लेंगे और एक लाइट कलर बैकग्राउंड में दे देंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे कंपोनेंट्स को ऐड करने की। तो बिल के काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसे यहाँ वन बाय वन लिस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 6 कंपोनेंट्स ऐड करने वाला हूँ, इसलिए मैं 6 रोज को और 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन में जाकर हम मर्ज अक्रॉस सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू डालने के लिए भी मैं सेम उनके अपोजिट जा करके 2 कॉलम और 6 रोज को सिलेक्ट करूंगा, और सेम वैसे ड्रॉप डाउन में जाके मर्ज अक्रॉस कर लूंगा। अब यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हम डालेंगे इनवॉइस नंबर का, इनवॉइस नंबर। उसके बाद कस्टमर नेम डाल देंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, नेक्स्ट एड्रेस, उसके बाद अमाउंट पेड, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। इन सभी कंपोनेंट्स को बोल्ड कर लेंगे, और इसे भी एक लाइट में बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम, और इसे हम आउटलाइन बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर। सभी को सिलेक्ट करके एक थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, व्यू में चले जाएंगे, यहाँ पर ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे। फाइनली इन तीनों हेडर्स को हम सिलेक्ट करके इन्हें ऑल बॉर्डर देंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया है। इसके बाद हम अपनी एक डमी वैल्यूज यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल नंबर देता हूँ 1001, कस्टमर नेम डाल देता हूँ आनंद कुमार, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं माउस 10 पीसेस, एक डमी एड्रेस डाल देते हैं मलाड़ मुंबई, उसके बाद अमाउंट हम डाल देते हैं 3500, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे डमी। उसके बाद कॉलम्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, इन सभी को सिलेक्ट करके राइट साइड में अलाइन कर लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है अपना डेटा बेस को हमें डिजाइन करने की। तो नेक्स्ट एक नया टैब ऐड कर लेंगे, और इसे नाम दे देंगे हम डेटाबेस का। फर्स्ट टैब को नाम दे देंगे हम बिल एंट्री का। अपने बिल के सभी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसे, और डेटाबेस के टैब पर आकर कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे तो ये पे स्पेशल का विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यूज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा वहाँ पर है वो वर्टिकल फॉर्म में, और हम यहाँ चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए, तो हर एक कंपोनेंट यहाँ पर एक रो का फॉर्म ले ले, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, तो हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर रो के फॉर्म में आ जाएंगी। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके कॉलम को एडजस्ट करेंगे। कॉलम को एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट HOI प्रेस करेंगे, कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम इन कॉलम्स को थोड़ा फर्दर एडजस्ट करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होगी तो इसे एडजस्ट कर लेंगे। एड्रेस में हमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होगी क्योंकि बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो इसे भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करके बड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है इस इन कॉलम्स को टेबल में कन्वर्ट करने की। तो हम इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और जहां तक हमें टेबल में कन्वर्ट करना है वहां तक के हम रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर टेबल्स पे क्लिक करेंगे, और माय टेबल एज अ हेडर, हैज अ हेडर, इसके ऊपर सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, और ये कंप्लीट डेटा सेट को जहां तक हमने सिलेक्ट किया था उसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर हमारा जो बिल एंट्री का टेम्पलेट है उसे रेडी कर लिया हुआ, डेटा बेस को रेडी कर लिया हुआ है। इसके बाद बारी आती है एक इंटरिम DB ऐड करने की। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं मैं आपको इसका रीजन बाद में बताऊंगा, पहले तो ये जान लीजिए अभी के लिए कि हम एक ब्लैंक शीट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो इसे कब और कैसे यूज करेंगे हम आगे देखेंगे। तो इसे मैं नाम देता हूँ इंटरिम DB का। इसके बाद हमारा जो बिल एंट्री का जो टेम्पलेट है वो रेडी है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बिल एंट्री के वैल्यूज हैं ये सारी हमारे डेटाबेस में फाइनली मूव हो जाएं सिर्फ एक क्लिक से, तो हम उसके लिए बटन ऐड करेंगे। बटन ऐड करने का स्टेप सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले तो हम मैक्रोस को रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, मैक्रो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी एडवांस लेवल पर बनाना है तो उसके लिए आपको मैक्रोस पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। मैक्रोस की मदद से आप काफी हद तक वीबीए को यूज करना अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए मैक्रो को सीखना काफी
इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हर एक इंसान के लिए जो कि एक्सेल पे काम कर रहा है। तो मैक्रोस को ऐड करने के लिए पहले तो हम डेवलपर टैब पर आ जाएंगे। तो अगर आपके एक्सेल में आपको डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर आना होगा ऊपर की तरफ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है मोर कमांड्स का, उस पर क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज रिबन पर आ जाना है यहाँ पर। यहाँ पर डेवलपर का एक ऑप्शन होता है, ये आपके यहाँ पर अनचेक्ड होगा, आप इसे चेक करके ओके प्रेस कर देंगे तो आपके पास भी डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। डेवलपर टैब पर आने के बाद हमें रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर आ जाना है। इसे एक नाम दे देंगे हम, तो मैं इसे एक नाम देता हूँ बिल एंट्री का। उसके लिए हमें एक शॉर्टकट की बनानी होगी कि हम जैसे ही इस शॉर्टकट की को प्रेस करें तो हमारा जो ऑटोमेशन है, जो भी हम मैक्रोस रिकॉर्ड करेंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये जो कमांड की होनी चाहिए ये यूनिक होनी चाहिए, वो ऑलरेडी एक्सेल में नहीं होनी। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट के दे दी है। उसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे और मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, इसका मतलब कि हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो वैल्यूज़ है अपने डेटाबेस में मूव हो जाए जैसे ही हम बटन प्रेस करें या फिर मैक्रो को रन करें। तो हम ये इन वैल्यूज़ को सभी को कॉपी कर लेंगे, अपने इंटरिम डीबी पे आ जाएंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिले। तो यहाँ पर आने के बाद हमने जो वैल्यूज कॉपी की थी उन्हें यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे सिमिलरली और ओके प्रेस कर देंगे। ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे और अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारे डेटाबेस टैब में मूव हो जाए। तो उसके बाद हम इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और डेटाबेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले सेल पर आ जाएंगे, यहाँ होम टैब पर इंसर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉपीड सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इन कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करेंगे। कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और दो बार डाउनवर्ड एरो प्रेस करेंगे और एक बार राइट साइड का एरो प्रेस करेंगे और कंप्लीट शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि काफी बार होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो काफी बड़ा हो सकता है या फिर एड्रेस काफी बड़ा हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाए हमारे मैक्रो की हेल्प से, हमें बार बार आकर यहाँ पर मैनुअली ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ऑटो फिट किया हुआ है। नेक्स्ट हम अपने कंप्लीट टेबल को वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, दो बार डाउनलोड एरो प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और एक बार राइट साइड का एरो प्रेस करेंगे। उसके बाद इन सबको सेंट्रली अलाइन कर लेंगे और फाइनली हमें एक लास्ट चीज ये करनी है कि हमारा जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है यहाँ पर आके हमें शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेना है ताकि हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाए अपने इनवॉइस नंबर के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर 1001 है तो इसके बाद की जो एंट्री हो 1002 की वो इसके नीचे आ जाए और लाइकवाइज हमारा सारा डेटा यहाँ पर डेटाबेस में प्रेजेंट हो। तो इसके लिए मैंने इसको सॉर्ट कर लिया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक। उसके बाद वापस से हम अपने बिल एंट्री ट्रैप पर आ जाएंगे, इस सभी डेटा को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करके हम पहले वाले सेल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वापस से डेवलपर टैब पर जाकर हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो हमने अपने सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लिया है। एक बार मैं रिकैप कर दूं, हमने यहाँ पर डेटा एंट्री की, उसे कॉपी करके एंट्री में डाल दिया और यहाँ से अपने डेटा को हमने डेटाबेस में माइग्रेट कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक बार डेटाबेस में हमारा डेटा चला जाए तो यहाँ से डेटा डिलीट होकर हमारा जो कर्सर है या फिर जो हमारा सिलेक्टेड सेल है वो सबसे फर्स्ट सेल पर आ जाए, वो इनवॉइस नंबर का हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा मैक्रो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम दूसरी बिल एंट्री डालते हैं यहाँ पर 1002 की। कस्टमर नेम दे देते हैं शिव कुमार। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कीबोर्ड 22 पीसेस। एड्रेस हम डाल देंगे गुड़गांव हरियाणा का। अमाउंट पेड में हम डाल देते हैं 9600 और कॉन्टैक्ट नंबर में एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमने जो शॉर्टकट बनाया था कंट्रोल शिफ्ट के, उसे प्रेस करके देखेंगे काम कर रहा है नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर डेटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो चुका है और हमारा जो सिलेक्टेड सेल है वापस से इनवॉइस पर आ गया है। अब डेटाबेस में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई एंट्री क्रिएट हो चुकी है शिव कुमार के नाम से, जो हमने डेटा वहाँ पर एंटर किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड इन हो चुका है हमारे मैक्रो की मदद से। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो आता है हमारा एक बटन यहाँ पर ऐड करने का। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी डेटा यहाँ पर एंटर करें हम बार बार शॉर्टकट की प्रेस ना करें मैक्रो को ट्रिगर करने के लिए। हम यहाँ पर डेटा एंटर करें, बटन प्रेस करें सबमिट का और वो डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाए। तो उसके लिए पहले हम डेवलपर टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है बटन का, उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसे बटन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। बटन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर असाइन मैक्रो का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमने जो मैक्रो अभी रिकॉर्ड किया था बिल एंट्री का, उसे हम सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो बटन बनने के बाद हम डिजाइन मोड में आ जाएंगे और इसे रीनेम कर देंगे, यहाँ से हम नेम दे देंगे इसे सबमिट। नेक्स्ट हम फाइनली यहाँ पर डेटा एंटर करके देखेंगे और सबमिट बटन का यूज करके देखेंगे, देखते हैं कि हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में फीड इन होता है या नहीं ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट बिल नंबर हम डाल देते हैं 1003। कस्टमर नेम डाल देंगे यहाँ पर अक्षय जाधव। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे मॉनिटर 100 पीसेस। एड्रेस डाल देते हैं हम ग्रेटर नोएडा यूपी का। अमाउंट पेड में डाल देते हैं 55,000 और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे एक डमी। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा क्लियर हो गया। यहाँ पर डेटाबेस में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक नई एंट्री आ जाएगी अक्षय यादव के नाम पर, जिसका मतलब हमारा जो ये बिल एंट्री का सॉफ्टवेयर है ये फाइनली काम कर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया सीखने मिला हो इस वीडियो से तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस एक्सेल शीट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।